हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। द एम्परर ऑफ आइसक्रीम एक अमेरिकन मॉडर्न पोएम है और इसके पोएट हैं वालेस स्टीवंस। वालेस स्टीवंस एक बहुत ही जाने माने अमेरिकन मॉडर्न पोएट हैं और इनका एक बहुत ही फेमस थियोरी है, पोएट्री मस्ट रेजिस्ट इंटेलिजेंस। ओके, तो इसी का थ्रू ये अपना मोस्ट ऑफ द पोएम्स में यही लॉजिक को आप फॉलो होते हुए देखेंगे। इसका अगर बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझें तो इसका मतलब है कि जो पोएट्री है, जो पोएम है, वो कभी डायरेक्टली सब कुछ एक्सपोज नहीं करना चाहिए। उसको पढ़ के ही जो रीडर है लिटरली सब कुछ समझ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पोएट्री जो है वो सिम्बॉलिक होना चाहिए, उसमें कुछ हिडन मीनिंग रहना चाहिए ताकि जो रीडर है वो पढ़ के उसको अच्छे से दिमाग लगा के उसका अंदर का हर एक लेयर समझना पड़े। ओके, ये है वालेस स्टीवंस का अपना पोएट्री का फिलॉसफी और उनका हर पोएम, लगभग हर पोएम इसी आइडिया में आधारित है। और द एम्परर ऑफ आइसक्रीम ये भी कुछ ऐसा ही पोएम है। पहली बार द एम्परर ऑफ आइसक्रीम 1922 में पब्लिश हुआ, पोएट्री कलेक्शन हारमोनियम में ये पब्लिश हुआ था। और इस पोएम का थ्रू वालेस स्टीवंस ने समझाने का कोशिश किया है कि जो हम लोग का दुनिया है, ठीक है, इसमें जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी हम लोग अपना लाइफ जीते हैं, वो लाइफ एक्चुअली एक आइसक्रीम का तरह है। आइसक्रीम की तरह यानी जैसे आइसक्रीम को आप लोग अगर इन्जॉय करना चाहते हो तो उसको जल्दी इन्जॉय करना पड़ेगा, नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय हम लोग को मिलता नहीं आइसक्रीम को इन्जॉय करने के लिए। ठीक वैसे ही लाइफ भी बहुत शॉर्ट टर्म है, लाइफ परमानेंट नहीं है, तो लाइफ को भी बहुत ज़्यादा लेट अगर हो जाएगा तो इन्जॉय नहीं कर सकोगे, कोई भी नहीं कर सकेगा। तो इसलिए लाइफ को एज़ इट इज़ हम लोग को इन्जॉय करना चाहिए, और कोई भी ज़्यादा डिले करेंगे तो लाइफ हाथ से निकल जाएगा। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी सिंपल, इफ़ वी टेक इट एज इट इज़। यहाँ ना तो कोई एक्स्ट्रा कुछ शो ऑफ करने का दरकार है या कुछ एक्स्ट्रा दिखाने का भी दरकार नहीं, यहाँ पे हिपोक्रेसी का कोई जगह नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट टू एन्जॉय लाइफ एज अ एम्परर, सो यू मस्ट एन्जॉय इट लाइक एन यू एन्जॉय अ आइसक्रीम। ओके, क्विकली एज इट इज़ एंड विथ सिंप्लिसिटी। तो ये है पूरा पोएम का क्रक्स। अब चलिए हम लोग द एम्परर ऑफ आइसक्रीम इस पोएम को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हैं, हर एनोटेशन का साथ और हर इम्पॉर्टेंट चीज़ का साथ, ताकि आप लोग को कोई भी इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो पहला स्टैंजा से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पोएट ने क्या कहा है, कॉल द रोलर ऑफ बिग सिगार्स द मस्कुलर वन एंड बिड हिम विप इन किचन कप्स कॉन्क्यूपिसन कर्ड्स। ओके, तो कॉल द रोलर ऑफ बिग सिगार्स, मतलब जो भी बड़े बड़े सिगार है। अच्छा, अब सिगार और सिगरेट दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है एक दोनों से, ठीक है। सिगरेट और सिगार में मेन डिफरेंस यही है कि सिगार काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, उसमें भी वही टोबैको लीव्स ही रहते हैं, बट उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। और उसको रोल करने के लिए भी मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी का दरकार पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सिगर रहता है, उसको फिर रोल करके टाइटली उसको पैकअप करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट नीड्स अ स्ट्रॉन्ग मैन टू डू ऑल दिस। तो वहीं रोलर मतलब जो वहीं बड़ा सिगार को अच्छे से बढ़िया से रोल करेगा, ठीक है। तो कॉल द रोलर ऑफ बिग सिगार्स, तो उसको बुलाओ जो बड़ा सिगार को रोल करेगा, उसको बुलाओ। द मस्क्यूलर वन, और उस वो कैसा होना चाहिए, ताकतवर, मस्क्यूलर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो रोल कैसे करेगा। एंड बिड हिम विप, बिड मतलब है कि उसको बोलो, उससे करवाओ विप। विप का मतलब यहाँ कि फेंटना, ठीक है, एक्चुअली विप का मतलब फेंटना नहीं होता, विप मतलब किसी मतलब मारना होता है, ठीक है, बट यहाँ विप मतलब फेंटना, जैसे हम लोग जैसे दही फेंटते हैं ना वैसे विप। एंड बिड हिम विप इन किचन कप्स, तो किचन में जो छोटे छोटे कप रहते हैं उसमें उसको फेंटने बोलो। क्या फेंटने बोलो, कॉन्क्यूपिसेंट कर्ड्स। कर्ड्स मतलब तो दही होता है। अब यहाँ कॉन्क्यूपिसेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ डबल लेयर मीनिंग यहाँ पे यूज़ किया, और यहाँ से ही शुरू होता है जो एम्परर ऑफ आइसक्रीम का जो असल खेल है, या जो वालेस स्टीवंस का ये जो फिलोसफी है कि पोएट्री मस्ट रेजिस्ट इंटेलिजेंस, तो यहीं से आपका
डबल मीनिंग या लेयर्स ऑफ मीनिंग चालू होता है कि सामने क्या दिख रहा और अंदर अंदर पोएट क्या समझाने का कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल हम लोग ऊपर का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर अंदर का भी धीरे धीरे समझेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो कॉन्क्यूपिसेंट का मतलब एक्चुअली होता है सेक्सुअल डिज़ायर, ओके, फुल ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर या लस्टफुल हम लोग इसे कह सकते हैं। अब एक्चुअली कोई खाने का सामान क्या फुल ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर हो सकता है? डेफिनेटली नॉट। तो यहाँ पे कॉन्क्यूपिसेंट का जो मतलब उन्होंने कहना चाहा है, पोइट ने कहना चाहा है, वो है कि बहुत ज़्यादा क्रीमी, ओके, बहुत ज़्यादा स्मूद, बहुत ज़्यादा क्रीमी, क्योंकि कोई भी आप दही को अगर ज़्यादा फेटोगे, फेटते रहोगे, तो एक टाइम वो बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम, है ना, वैसा हो जाएगा। तो उसी को या वही एक्स्ट्रा क्रीमीनेस समझाने के लिए यहाँ पे कॉन्क्यूपिसेंट समझाया है, ओके। तो क्या करने बोला है? तब एक मस्कुलर मैन को बुलाओ, एक ताकतवर आदमी को बुलाओ, वो क्या करेगा, बड़ा बड़ा सिगार को रोल करेगा और क्या करेगा कि उसको फेटने बोलो, क्या फेटेगा, ये पूरा क्रीमी दही को वो फेटेगा, फेट फेट के बढ़िया से एकदम क्रीमी कर देगा और उसको किचन कप में डालेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, लेट द वेंचेस डॉडल इन सच ड्रेस as they are used to wear and let the boys bring flowers in last month's newspapers, okay, acha, let the wenches, yahan pe wenches matlab mahilaye, ladies, women, okay, actually wenches ek bahut casual way hai batane ka, theek hai, jaise lad hum log ladke ke liye jaise lad use karte hai, theek hai, actually to boy and girl common terms hai, बट कैजुअल टर्म्स में हम लोग लैड एंड लैस यूज़ करते हैं, लड़के के लिए लैड, लड़की के लिए लैस, तो वैसे ही वेंचेस भी कहा जा सकता है, ठीक है, ऐसा नॉर्मल लड़की, ठीक है। तो लेट द वेंचेस डॉडल इन सच ड्रेस, डॉडल का मतलब है कि ऐसे घूमते फिरना, ठीक है ना, यहाँ वो ऐसे घूमते फिरना। तो लड़कियों को लेट द वेंचेस, लेट मतलब लेट, या यहाँ पे जैसे सेकंड लाइन में हम लोग बिड देखे थे कि बिड हिम विप, तो ये BID बिड या LET लेट, जब भी ये सब वर्ब का यूज़ होगा तो आपको समझ जाना है कि किसी से कोई चीज़ करवाने का बात हो रहा है या किसी को कोई चीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो लेट द वेंचेस डॉडल इन सच ड्रेस, तो लड़की लोग को ऐसा ड्रेस में, मतलब ऐसा ड्रेस पहन करके इधर उधर घूमने दो, एज दे आर यूज टू वेयर, जिस ड्रेस में वो लोग, मतलब यूज़ टू है, यूज़ टू यानी जिस ड्रेस में वो लोग हैबिचुएटेड है, जो ड्रेस पहन के उनको आदत हो चुका है, ठीक है, इजी फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, तो वैसे ड्रेस पहन करके जिसमें वो लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, वैसा ड्रेस पहन करके लड़की लोग को इधर उधर घूमने दो, एंड लेट द बॉयज़ ब्रिंग फ्लावर्स इन लास्ट मंथ्स न्यूज़पेपर्स, और लड़का लोग क्या करेंगे, लड़का लोग को भी फूल लाने दो, फ्लावर्स, ब्रिंग फ्लावर्स, फूल लाने दो इन लास्ट मंथ्स न्यूज़पेपर, पिछले महीने का जो अखबार है, जो न्यूज़पेपर है, उसमें मोड़ करके फूल लाने दो, ठीक। अच्छा, अब आते हैं लास्ट दो लाइन में, जो कि एक्चुअली द फाइनल कपलेट है, फर्स्ट स्टैंजा का फाइनल कपलेट, कपलेट यानी कि दो राइमिंग लाइन्स को कपलेट बोला जाता है, ठीक है, राइमिंग मतलब समझते हैं ना, जो जिसका साउंड मिलता है, जैसे लेट बी बी फिनाले ऑफ सीम, द ओनली एम्परर इज़ द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। तो देखिए, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, सीम, और फिर नेक्स्ट लाइन का क्या है, आइसक्रीम, तो सीम आइसक्रीम मिल रहा है ना, दोनों साउंड मिल रहा है, तो इसी को बोला जाता है राइमिंग लाइन्स। तो दो राइमिंग लाइन्स मिला के एक कपलेट बनता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टैंजा का आखिरी में एक कपलेट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कपलेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट दोनों वजह से। सबसे पहला वजह कि एम्परर ऑफ आइसक्रीम, ये जो एक्चुअली हम लोग का जो टाइटल है, या हम लोग को पहली बार देखने को मिल रहा है एकदम फर्स्ट स्टैंजा का एकदम लास्ट में आके, इज़ द ओनली एम्परर इज़ द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। तो एक तो इसका वजह से कि एम्परर ऑफ आइसक्रीम क्या चीज़ है, उसका इंट्रोडक्शन हुआ, इसलिए ये कपलेट इंपॉर्टेंट है। और भी एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो एक्चुअली समझाने का कोशिश है कि लाइफ जो हम लोग का है, लाइफ को बहुत छोटा है, बहुत इंजॉयबल है, स्वीट है, तो इसको एज इट इज़ एंजॉय करो, जो है तुम्हारे पास जैसा लाइफ है वैसा ही तुम इसको एक्सेप्ट करो और अपना काम करो और इसको एंजॉय करो, एक्स्ट्रा कुछ दिखाने का दरकार नहीं, कोई शो ऑफ या कोई हिपोक्रेसी का दरकार नहीं है, वो यहाँ पे निकल के आ रहा है, समझते हैं।
लेट बी बी फिनाले ऑफ सीम। अब यहाँ बी वर्ड देखिए दो बार रिपीट किया गया है, बी बी। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ जो पहला बी है लेट का बाद ही जो बी है ठीक है, वो यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है और उसका अगला जो बी है वो यहाँ पे वर्ब का तरह यूज हुआ है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि लेट माय ब्रदर बी द कैप्टन, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे भाई को कैप्टन होने दिया जाए, है ना। तो यहाँ जो बी है उसका मतलब क्या, होने दिया जाए। और यहाँ पे जो पहला बी है लेट के बाद जो बी है उसका मतलब है कि टू एग्जिस्ट, ठीक है, अस्तित्व रखना या कुछ होना, ठीक है ना, एक्चुअली में कुछ होना, उसको बी बोला जाता है। तो यहाँ पे लेट बी बी फिनाले, फिनाले मतलब एंड, ठीक है ना, आखिरी कुछ, अल्टीमेट कोई चीज़। ओके, फिनाले ऑफ सीम, अब सीम का मतलब होता है अपियर, ठीक है, मतलब कुछ लगना, ठीक है। जैसे अगर हम बोले कि द गर्ल सीम्स टू बी सिक, मतलब लड़की को देख करके थोड़ा सिक लग रहा है, अनवेल लग रहा है, अस्वस्थ लग रहा है, तो कुछ लगना, देख करके कुछ लगना। अब ज़रूरी नहीं है कि वही सच हो, बट कोई चीज़ को ऊपर ऊपर देख करके आपको जो लग रहा है वो होता है सीम। तो पूरा लाइन का तब मतलब क्या हुआ कि लेट बी बी फिनाले ऑफ सीम, मतलब जो बी है, जो असली में है, जो अस्तित्व जो हो, एक्चुअली में जो हो रहा, उसको जो लग रहा है उसका एंड होने दो। मतलब जो भी हम लोग ये लगने वाला सीन है, जो हम लोग को जो लगता है बाहर बाहर ऊपर ऊपर से देख कर का जो लगता है, ठीक है, ये चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए और एक्चुअली में जो चीज़ है उसी को हम लोग एज अ फाइनल एक्सेप्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देखे हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, अब उसका बहुत ज़्यादा इनकम है नहीं, ठीक है, लेकिन उसको तो अपना स्टेटस दिखाना है, ठीक है, तो वो क्या कर लिया, वो ले लिया आपका लोन, ठीक है, लोन लेके अब एकदम बड़ा बड़ा बाड़ी कार खरीद लिया, ठीक है, घर खरीद लिया, ठीक है, या ऐसे कुछ ड्रेसेस वेसेस बहुत सादा, मतलब शो ऑफ किया, ठीक है, लोन लेके। अब आपको बाहर से देख करके क्या लगेगा, अरे भाई ये तो इतना, मतलब भाई इसका मतलब पैसा है, कार ही है, बंगला है, तब तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है इसके ज़िंदगी में। लेकिन ये क्या है, ये है सीम, मतलब ये आपको देख के लग रहा है ये, लेकिन बी नहीं है। बी यानी एक्चुअली जो है, एक्चुअली क्या सच में उसका पास इतना पैसा है, है तो नहीं, वो तो लोन लिया है बंदा सिर्फ दिखावा करने के लिए। तो क्या हम उसको बहुत अमीर या बहुत पैसे वाला बिना कोई टेंशन का कह सकते हैं, कह तो नहीं सकते, है ना। तो यही पोएट ने कहा है कि जो आप दिखावा मत करो, जो आपका सच में है, जो एक्चुअली में है, जो बी है, उसी को आप फाइनल रखो, उसी को आदमी के सामने एक्सपोज करो, वही आपका फाइनल सिचुएशन है, कोई दिखावा का दरकार नहीं है। देर इज़ नो नीड टू बी हिपोक्रिट, ठीक है ना, देर इज़ नो नीड टू शो ऑफ। ये है पहला लाइन। अब आखिरी लाइन क्या है, द ओनली एम्परर इज़ द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। अब एम्परर का मतलब क्या होता है, एम्परर का मतलब होता है सम्राट, ठीक ना, एक तो होता है राजा, किंग, उसका भी ऊपर है सम्राट, कि पूरा एम्पायर, एक साम्राज्य का जो मेन हेड है, ठीक है ना, सम्राट, एम्परर। अब यहाँ आइसक्रीम का बात कहाँ से आया कि द ओनली एम्परर इज़ द एम्परर ऑफ आइसक्रीम, तो एकमात्र सच्चा सम्राट कौन है, जो आइसक्रीम का सम्राट है। अब पढ़ के लगता है कि ये भाई ये क्या बात कर दिया, वॉलेस स्टीवेंस का दिमाग ख़राब हो गया, अब आइसक्रीम का सम्राट क्या होता है, नहीं एक्चुअली वो नहीं है। यहीं पे वॉलेस स्टीवेंस अपना खेल खेल गए, है ना, कि एम्परर ऑफ आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का सम्राट मतलब जिंदगी का सम्राट वही होगा, जिंदगी को सही तरीके से वही जिएगा, एक सम्राट के जैसे ज़िंदगी को वही जिएगा, जो ज़िंदगी को एक आइसक्रीम के तरह देखेगा। मतलब जैसे हम पहले भी एक्सप्लेन किए थे, फिर से एक बार कर देते हैं कि आइसक्रीम जैसे जल्दी पिघल जाता है, आपको अगर आइसक्रीम को एंजॉय करना है तो वक्त रहते करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहीं आइसक्रीम लेकर के बढ़िया से एकदम सेल्फी खींचेंगे, यहाँ पोस्ट करेंगे, वहाँ करेंगे, यहाँ ढेर देखते रहेंगे, उतना दिखावा करते करते तो हो गया भाई, आइसक्रीम तो पिघल के पानी हो गया, फिर क्या खाइएगा। तो वैसे ही सेम बताया गया कि ज़िंदगी को भी बहुत छोटा है ज़िंदगी, उसमें दिखावा करके, जो नहीं है उसको शो ऑफ करके, या एक्स्ट्रा कुछ अननेसेसरी चीज़ करके, जो बहुत इनवैल्यूएबल टाइम है ना, उसको वेस्ट नहीं करना है। ज़िंदगी में कुछ मोमेंट्स एक बार चले जाते हैं तो चले जाते हैं, उसको वापस नहीं मिल सकते, है ना। कितना भी हम लोग पैसा कमा लें, क्या पैसे से ज़िंदगी का मोमेंट्स खरीदा जा सकता है,
नहीं ना, एक बार जो टाइम चल गया चल गया। तो इसीलिए अगर ज़िंदगी को सही मायने में जीना है तो जब जब जो जो करना चाहिए वही करो, कोई दिखावा का दरकार नहीं, ठीक है। सिंपली रहो, ब्यूटीफुली रहो, एंजॉय करो, दैट्स इट। तो इसीलिए बोला गया है कि आइसक्रीम का तरह से जो जिएगा वही ज़िंदगी को एकदम राजा महाराजा सम्राट के जैसे जिएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, ज़िंदगी उसका कंट्रोल में रहेगा, ठीक। इसीलिए बोला गया है कि द ओनली एम्परर इज़ द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। डन, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टैंजा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टैंजा में, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और बता दे कि फर्स्ट स्टैंजा में जो बताना चाहा कि एक जो ऐसे एक मीटिंग जैसा या कुछ एक ओकेशन का यहाँ पे बारे बात करने गया कि जैसे एक रोलर, मतलब एक जो मस्कुलर मैन है वो बिग सिगार रोल कर रहा है, ठीक है। फिर किचन कप्स में वो बढ़िया क्रीमी दही फेंट के रख रहा है, ठीक है। फिर लड़की लोग अपना नॉर्मल ड्रेस पहन के आ रही, लड़का लोग बुके लेके फ्लावर्स लेकर के लेकिन पुराने महीने का पुराने न्यूज़पेपर में लपेट के उसको लेके आ रहे हैं। मतलब इससे हम लोग को इतना तो समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ ओकेशन तो है ना। शायद किसी का बर्थडे होगा या मे बी कुछ और ओकेशन होगा जहाँ पे काफ़ी लोगों को इनवाइट किया गया है। ये जो लड़की लोग भी आ रही है, लड़के लोग भी आ रहे हैं, इन्वाइट किया गया है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए या अंडरलाइंग मीनिंग समझने का कोशिश कीजिए। हम लोग जब कोई पार्टी में जाते हैं या कोई भी अच्छा ओकेशन में जाते हैं तो हम लोग तो अच्छा कपड़े पहन के जाते हैं, घर में वगैरह जैसे भी रहे जैसे तैसे, लेकिन बाहर कभी जाते हैं तो बढ़िया सा कपड़ा वपड़ा पहन के जाते हैं ना। और जैसे कोई प्रेजेंट लेके जाते हैं तो बढ़िया से एकदम अच्छे से रैप वैप करके वैसे सुंदर लगे वैसे देखने जाते हैं। तो कोई अगर बुके भी दे तो भी तो वो नया बुके देगा ना, आई मीन अच्छे से रैप करके, ठीक है, बढ़िया से पूरा प्लास्टिक में नहीं है तो कम से कम एक तो नया रैपर में देगा या पुराना कोई चीज़ में लपेट के तो कम से कम नहीं ही देगा, है ना। लेकिन आप देखिए यहाँ पे सारा चीज़ जैसे थोड़ा सा पुराना पुराना किस्म का है या उतना कोई मतलब केयर नहीं कर रहा, अरे भाई क्या चलो ना कैसे भी चल जाओ, ऐसा किस्म का है। लेकिन जो सेटिंग है वो तो एक पार्टी जैसा ही है, ठीक है, मतलब एक्चुअली पार्टी भी नहीं हो तो कम से कम छोटा मोटा इनविटेशन जैसा तो है ही। तो कुछ हम लोग को यहाँ से हिंट मिल रहा कि तब शायद जो ओकेशन का वजह से यहाँ हम लोग आ रहे हैं वो उतना बढ़िया वाला ओकेशन नहीं है जिसमें आदमी पूरा सेलिब्रेट करे, बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के आए, बढ़िया नया नया चीज़ ले करके आए। शायद वैसा कुछ माहौल यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे बहुत ऑर्डिनरी, बहुत एकदम मामूली सा है ना, जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कैसा एक तो सैड किस्म का लग रहा है, जहाँ पे कोई भी कैसे भी आ जा रहा, पुराना चीज़ लेके, पुराना कपड़ा पहन के कैसे भी करके, है ना। ये एक्चुअली जब हम लोग सेकेंड स्टैंजा में जाएंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि जो ओकेशन एक्चुअली था वो कोई खुशी का ओकेशन नहीं, एक्चुअली यहाँ पे एक ओल्ड लेडी का डेथ हो चुका है, ठीक है। तो वहीं का चलते सब कोई को यहाँ पे बुलाया गया है, उनका जो आफ्टर डेथ सेरेमनी है उसमें सबको बुलाया गया है। ये हम जब सेकंड स्टैंजा पढ़ेंगे तब पता चलेगा, वहाँ पे ये चीज़ एक्सपोज की गई है। दैट इज़ वाई यहाँ पे कोई भी बहुत अच्छा बढ़िया कपड़ा पहन के या बहुत नया नया चीज़ लेके नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन इसका साथ हम लोग एक चीज़ और कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये पूरा एम्परर ऑफ आइसक्रीम का ही जो मूल मंत्र है कि लाइफ जो है उसको एज अ सिंपल देखो, ठीक है, एज इट इज़ लाइफ को तुम ट्राई करो, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा देने का या बहुत मतलब धूम धड़क्का हर समय करने का दरकार नहीं है। तो यही लाइफ का सिंप्लिसिटी के साथ ये जो बाहर का भी दिखाना है कि पुराने चीज़, ठीक है, या फिर सिंपल कपड़े, ठीक है, या नॉर्मल गिफ्ट्स, ठीक है, यहाँ तक कि आप अगर थोड़ा सा सोचिएगा, देखिए ये जो दही है, दही लेकिन बहुत बढ़िया कोई चीज़ लेकिन है नहीं, आई मीन टू से पार्टी में जनरली आदमी क्या करता है, केक लाता, पेस्ट्री लाता, आइसक्रीम लाता, है ना। दही फेट के किचन कप में, मतलब ऐसा नहीं कि ख़राब है लेकिन फिर भी थोड़ा सा कैसा थोड़ा सा ऑर्डिनरी नहीं लग रहा। तो पूरा चीज़ ही एक ऑर्डिनरीनेस का माहौल यहाँ पे मतलब स्प्रेड कर दिया गया है, ठीक है। ये आगे चल करके जो सेकंड स्टैंसा है वहाँ पे ये और थोड़ा सीरियस रूप लेगा। चलिए अब सेकंड स्टैंसा हम लोग आगे पढ़ते हैं तब बढ़िया से समझ में आएगा। टेक फ्रॉम द ड्रेसर ऑफ डील लैकिंग द 3 ग्लास नॉब्स दैट शिट
ऑन विच शी एम्ब्रॉयडर्ड फैन टेल्स वॉन्स. अच्छा, तो टेक फ्रॉम द ड्रेसर ऑफ डील. ड्रेसर मतलब वही जो ड्रेसिंग टेबल होता है वहीं. अच्छा, डील मतलब क्या है? डील मतलब है अ चीप वुड, ठीक है, टिम्बर हम लोग कह सकते हैं, TIMBER, टिम्बर, या थोड़ा सा सस्ता किस्म का जो लकड़ी होता है उसका, ठीक है. बहुत बढ़िया क्वालिटी का कोई लकड़ी है नहीं डील, थोड़ा चीप क्वालिटी का वुड है. तो डील से बना हुआ कोई सामान रहेगा तो वो सस्ता में मिल सकता है, ठीक है. तो जो ड्रेसर है, जो ड्रेसिंग टेबल है, वो एक्चुअली डील का बना हुआ है, थोड़ा कम सस्ता है. लैकिंग द थ्री ग्लास नॉब्स, ऊपर से सिर्फ सस्ता चीज़ से बना हुआ यही नहीं, ऊपर से उसमें जो ग्लास नॉब्स है, ग्लास नॉब समझते हैं ना, जो आपका थोड़ा गोल गोल नॉब किस्म का रहता है जिसको पकड़ करके हम लोग ड्रॉयर को खींचते हैं, टानते हैं या ठेलते हैं, ठीक है. तो उसमें ऊपर से तीन ग्लास नॉब है भी नहीं, कहीं खुल के गिर गए हैं. अब इसका मतलब क्या है कि ये जो वुमन थी, ये वही जो डेड वुमन, उन्हीं का घर का बारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा, ठीक है ना, कि सस्ता ड्रेसर है, ठीक है, ऊपर से उसमें भी तीन ग्लास नॉब नहीं है. तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि ये बहुत फिनेंशियली एबल थी नहीं, ठीक है, ये पुअर थी, ठीक है. क्योंकि अगर इनका पास पैसा बहुत ज़्यादा रहता तो ये सस्ता सामान तो ड्रेसर का लेती नहीं, और ऊपर से तीन ग्लास नॉब जो टूट गया तो उसको रिपेयर भी कराती, लेकिन वो भी नहीं है. तो इसी से हम लोग को इनका फिनेंशियल क्राइसिस के बारे पता चल रहा है. अब आगे देखते हैं, दैट शीट ऑन विच शी एम्ब्रॉयडर फैन टेल्स वंस. अब एक कपड़ा भी, एक चादर भी निकाला गया, जो चादर में उन्हीं ने, मतलब वही डेड वुमन ने एक बार एम्ब्रॉयडरी किया था. एम्ब्रॉयडरी मतलब वही सिलाई करके जो बढ़िया नक्शा कुछ पैटर्न करते हैं, वही एम्ब्रॉयडरी किया था. फैन टेल्स वंस, अब फैन टेल्स मतलब क्या है? फैन टेल्स एक तरीके का मतलब बर्ड है, ठीक है, उसका डिज़ाइन है. देखते ना, जैसे हम लोग कोई भी चादर में बहुत फैंसी कुछ कुछ डिज़ाइन करते हैं, कुछ फूल पत्ता का, ठीक है, या कोई जैसे बर्ड्स का बहुत खूबसूरत, तो वैसे ही इन्होंने एक बर्ड का डिज़ाइन किया था, ठीक है, ये ओल्ड लेडी ने, जो अभी जिनका डेथ हुआ है, वो जब जिंदा थी तब वहीं फैन टेल्स का डिज़ाइन उठाया था. अब यहाँ पे भी एक नज़र करने वाली बात यह है, जो फैन टेल है वो भी लेकिन बहुत एक आम दिखने वाला पक्षी है, ठीक है, बहुत कोई रेयर या बहुत खूबसूरत या बहुत मैग्निफिशेंट ऐसा कोई बात लेकिन है नहीं, ठीक है, आम, जैसे हम लोग, जैसे क्या, क्रो, स्पैरोज, जैसे हम लोग आम देखते हैं ना, यहाँ वहाँ पे दिखते रहते हैं, तो वैसे ही फैन टेल्स भी एक ऑर्डिनरी बर्ड ही है, बहुत ज़्यादा कुछ खूबसूरत या बहुत कुछ तामझाम वाला कुछ है नहीं. तो देखिए, जो ऑर्डिनरीनेस का एक पूरा बहाव जो हम लोग फर्स्ट स्टैंजा में देखे थे, वहीं लेकिन सेकेंड स्टैंजा में भी है, और ऊपर से और बढ़ रहा. यहाँ ऑर्डिनरीनेस के साथ पॉवर्टी भी जुड़ रहा कहीं ना कहीं, ठीक है, और ये हर जगह है हम लोग का लाइफ का. एक्चुअली यहाँ पे तो ये मतलब ओल्ड लेडी का लाइफ में दिखाया जा रहा है कि थ्रू आउट हर लाइफ एवरीथिंग इज़ ऑर्डिनरी, एवरीथिंग इज़ पुअर, नथिंग इज़ लाइक वेरी ब्यूटिफुल और एक्सपेंसिव और एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो एक्चुअली ये हम लोग सब का लाइफ का बारे एक जनरल ऑब्जर्वेशन पोइट का है, वालेस स्टीवंस का एक जनरल ऑप्शन है कि मेजॉरिटी आदमी का जो लाइफ है वो सिंपल ही होता है, ठीक है, या उसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस नहीं होता, ठीक है ना, जनरली ऐसा ही होता है. एंड स्प्रेड इट, फिर आगे बढ़ते हैं, एंड स्प्रेड इट सो एज टू कवर हर फेस. अब देखिए, वही चादर को ये महिला ने, जो चादर खुद से एम्ब्रॉयडर किया था फैंटेल्स वाला नक्शा लेके, वही चादर को निकाल के इनका श्राउड बना दिया गया. श्राउड समझते हैं, श्राउड मतलब होता है जो शीट से, जो कपड़ा से डेड बॉडी का फेस कवर अप किया जाता है, ठीक है, जनरली सफ़ेद कलर का होता है, इसको श्राउड बोला जाता है, ठीक है. तो फाइनेंशियल पॉवर्टी फिर से एक बार हम लोग का सामने आ रहा है, क्योंकि ये लोग के पास अपना पैसा भी नहीं है कि एक तो बढ़िया कोई नया चादर वादर खरीद करके फिर उसको ढका जाए, नहीं, उसी का तैयार किया गया, एम्ब्रॉयडर किया गया नॉर्मल सा चादर, वही पुराना चादर, वहीं को निकाल करके फेस कवर अप किया जा रहा. तब देखिए, इसका सिर्फ पूरा लाइफ नॉर्मल ऑर्डिनरी में कटा यही नहीं, लाइफ का बाद भी इसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मिल रहा. लाइफ का बाद भी जब इनका डेथ हो गया तब भी इनका सम्मान में कोई कुछ बड़ा और मतलब ओकेशन या फिर कुछ बहुत सारे लोग आ रहे हैं कुछ कर रहे हैं ऐसा भी बात नहीं, वहीं जैसा नॉर्मल चल रहा था ज़िंदगी, ज़िंदगी के बाद भी वैसे ही सेम चल रहा, ऑर्डिनरीनेस, पॉवर्टी, लैक ऑफ व्हाट शुड आई से, लैक ऑफ वेरी
लश्रसनेस, ओके, कि बहुत सारा शो, यहाँ पे कोई शोबाजी नहीं है, ठीक है ना, कोई बहुत एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल या बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव ऐसा कोई चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रहा। जिंदगी में भी वही था, जिंदगी के बाद भी सेम हालत। इफ़ हर अब हम लोग जो पार्ट में आ रहे हैं इसमें बहुत सिंबॉलिक चीज़ हम लोग को देखने मिलेगा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इफ़ हर हॉर्नी फीट प्रोट्रूड दे कम टू शो हाउ कोल्ड शी इज एंड डम। फिर से हम पढ़ते हैं, इफ़ हर हॉर्नी फीट प्रोट्रूड। अब यहाँ हॉर्नी का मतलब क्या है? हॉर्नी का एक्चुअली यहाँ पे दो मतलब निकाल के आता है, ठीक है। सबसे पहला तो एक हॉर्नी जो है ये हॉर्न शब्द से थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है, हॉर्न यानी सींग, तो हॉर्नी इन द सेंस थोड़ा सींग जैसा, ठीक है। अब सींग कैसा होता है? बहुत स्मूथ तो होता नहीं है, थोड़ा रफ होता है, ठीक है। तो हॉर्नी फीट, तो ये जो महिला है इनका जो पैर है, ये पैर है ना बहुत स्मूथ है नहीं, ठीक है, काम कर करके कर करके इनका पैर में थोड़ा रफ एकदम लंप जैसा हो गया है, ठीक है, जैसा होता है ना, जैसे हम लोग देखिएगा कि पानी में बहुत देर तक दबा रखे काम करने करने की वजह से या पैर का ठीक से केयर नहीं लेंगे तो बहुत सख्त सख्त लंप किस्म का हो जाता है, ठीक है, एकदम रफ हो जाता है। तो वहीं सेम चीज़ इनका साथ भी हुआ है, तो इससे भी पता चलता है कि इनको अपना लाइफ में लग्जरी बिल्कुल नहीं मिला, बहुत ही हार्ड वर्क इनको थ्रू आउट हर लाइफ करना पड़ा, जिसका चलते अपना लिए कोई केयर या अपने लिए कुछ लग्जरी या कोई भी कंफर्ट इनको नहीं मिला, पूरा लाइफ इनका डिस्कम्फर्ट में ही बीता, जिसका चलते पैर पूरा रफ हो गया है। अब ये तो हुआ हॉर्नी का ये मतलब रफ। अब दूसरा मतलब है अगेन फुल ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर और समथिंग दैट कैन एक्साइट योर लस्ट। याद है हम लोग पहला स्टैंजा में कॉन्क्यूपिसेंट शब्द पढ़े थे, उसमें भी ऐसा ही सेक्सुअल डिज़ायर और लस्ट का साथ कनेक्शन था, यहाँ पे भी सेम हॉर्नी शब्द का में भी सेम लस्टफुल या सेक्सुअल डिज़ायर का एक कनेक्शन है। क्यों बार बार ये सेक्सुअल ये लस्टफुल इस चीज़ का साथ कनेक्शन किया जा रहा है? इसका रीज़न ये है कि एक तरफ जो चीज़ एक समय बहुत लाइवली था, ठीक है, बहुत ही एन्जॉयबल था, बहुत ही ब्राइट था, बहुत ही एक्टिव था, वही चीज़ टाइम का साथ आ करके आज उसका कोई वैल्यू नहीं है, आज वो डेड है, आज वो अनइंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि यही महिला जब शायद ये बहुत यंग थी, ब्यूटीफुल थी, तब इनका पैर जैसे था, जो कि कोई तब सोच सकता था कि हाँ बहुत स्मूथ लेग है, बहुत ब्यूटीफुल लेग है, तब इसको देख करके कोई डिज़ायर फील कर सकता था, बट अभी वही सेम पैर आज रफ है। क्यों? बिकॉज ऑफ लाइफ्स हार्शनेस, बिकॉज ऑफ लाइफ्स हर्डल्स, ठीक है ना, उसका वजह से पूरा कठिनाई भरा हुआ इनका ज़िंदगी भी था, जिसका वजह से आज इनका पैर आज ये हशर है, डेड है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक ऑक्सीमोरोन हम लोग कह सकते हैं। ऑक्सीमोरोन यानी होता है दो अपोजिट चीज़ का कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। तो एक ही साथ ये हॉर्नी शब्द एक ही साथ जैसे एक लस्टफुल भी समझा रहा, वैसे ही एक रफ लाइफलेस चीज़ भी एक साथ समझा रहा, ठीक है। तो ठीक है, सो इफ़ आर हॉर्नी फीट प्रोट्रूड, अच्छा प्रोट्रूड का मतलब होता है निकल के आना, कम आउट, ठीक है। तो अगर उनका जो हॉर्नी फीट है यानी रफ जो पैर है वो अगर निकल के आ रहा, कहाँ से निकल के आ रहा, जो चादर जो श्राउड पूरा बिछा दिया गया है, वहीं फैंटेल वाला एम्ब्रॉयडर वाला पुराना वाला चादर जो बिछा दिया गया है, वहीं से अगर उनका पैर थोड़ा निकल के आ रहा है तो वो क्या शो कर रहे हैं अभी? क्या वो कोई सेक्सुअल डिज़ायर या बहुत एक्टिव या कुछ ब्यूटी शो कर रहे हैं? नहीं, वो क्या शो कर रहे हैं? टू शो हाउ कोल्ड शी इज़ एंड डम। देखिए कितना वो अभी कोल्ड है। कोल्ड क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि डेड बॉडी में टेम्परेचर तो रहता नहीं, जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक उसका ब्लड टेम्परेचर मेंटेन रहता है, डेथ के बाद बॉडी टेम्परेचर ऑब्वियसली ड्रॉप डाउन करता है, तो ये तो फिजिकली ही हम लोग समझ सकते हैं कि कोल्ड, बिकॉज शी इज़ डेड, इट्स अ डेड बॉडी, नॉट अ लिविंग ब्रीदिंग ह्यूमन बींग। और एक और तरीके से हम लोग इस कोल्ड को समझ सकते हैं कि विदाउट एनी वॉर्मथ ऑफ इमोशन, ठीक है, विदाउट एनी वॉर्मथ ऑफ लाइफ, विदाउट एनी वॉर्मथ ऑफ इंटरेस्ट। अब इनमें कोई इंटरेस्ट, कोई ब्यूटी, कोई वॉर्मथ, कोई इमोशन नहीं बचा है। नाउ शी इज़ जस्ट अ डेड लंप ऑफ बोन्स एंड स्किन, दैट्स व्हाट शी इज़। और एक शब्द प्रयोग किया गया डम यहाँ, लेकिन डम मतलब सिर्फ जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि डम यानी स्टूपिड या फूलिश, यहाँ लेकिन डम यानी सिर्फ फूलिश या स्टूपिड का बात यहाँ पे नहीं किया गया, यहाँ पे डम यानी
अनइंटरेस्टिंग, ठीक है, जो कोई आकर्षक नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या ही आकर्षण बच गया, क्या ही इसमें लिवलीनेस बच गया, कुछ नहीं है, दैट इज़ अनइंटरेस्टिंग। ओके डन। तो यही है आयरनी कि आज जो चीज़ समय का खेल देखिए कि जो एक ज़माने में बहुत एक्टिव हुआ करता था, बहुत ब्यूटीफुल हुआ करता था, वहीं आज क्या हुआ है, वहीं आज अनइंटरेस्टिंग है, सेम चीज़। तो यहाँ पे ये एम्परर ऑफ आइसक्रीम में ये टाइम का रोल को बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखाया गया है कि अगर समय रहते रहते तुम कोई चीज़ को एंजॉय नहीं करो तो समय एक बार निकल जाएगा, तो वही सेम चीज़ जो बहुत एंजॉयबल हो सकता था, जो बहुत ब्राइट बहुत ब्यूटीफुल हो सकता था, वहीं आखिरकार चल के लेकिन कुछ नहीं बचेगा, अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा। तब अगर वो तुमको मिलेगा भी तो तुम्हारा मतलब तुम खुद उसको लेना नहीं चाहोगे, ठीक है, क्योंकि तब उसका इंटरेस्ट, तब उसका एन्जॉयमेंट, तब उसका ब्यूटी सब छिन जाएगा, सब मिट जाएगा। दैट इज़ वाई टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो समय में सब कुछ करना चाहिए, ये भी एक हिडन चीज़ बार बार हर लाइन में, हर स्टैंजा में पोएट बार बार समझाने का कोशिश करे कि टाइम को देखो, टाइम का साथ सब कुछ करो, अपना दिखावा का चक्कर में समय को हाथ से मत जाने दो, क्योंकि एक बार चल जाएगा तो फिर और लाइफ को एन्जॉय नहीं कर पाओगे, आइसक्रीम ऑलरेडी पिघल चुका होगा, क्या पियोगे तब। ओके, अब लास्ट दो लाइन हम लोग देखते हैं, ये भी अच्छा बताइए। तो लास्ट दो लाइन ये राइमिंग, ये भी राइमिंग है, देखिए बीम और फिर आइसक्रीम। तो लास्ट दो अगर दो राइमिंग लाइन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, हम पहले ही फर्स्ट सेंटेंस में बताए थे, बताइए तो ज़रा। यस, कपलेट, वेरी गुड। तो ये भी आखिरी कपलेट है, ठीक है। और सिमिलरली आप देखिए, जैसे फर्स्ट स्टैंजा का आखिरी में एम्परर ऑफ आइसक्रीम ये वर्ड्स यूज़ किया गया था, यहाँ सेकेंड स्टैंजा का आखिरी में भी सेम एम्परर ऑफ आइसक्रीम यूज़ किया गया है। ये भी कपलेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसका समझते हैं। लेट द लैम्प अफिक्स इट्स बीम, द ओनली एम्परर इज़ द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। अच्छा, लेट द, अच्छा फिर से देखिए लेट शब्द का प्रयोग हो रहा, ये भी एक समझने वाला बात है कि देखिए बार बार यहाँ पे लेट, बिड, एज इस किस्म का वर्ब का प्रयोग हो रहा, मतलब करने दिया जाए, ठीक है, इसको करने दो, ठीक है, ऐसा होने दो। तो ये भी एक तरीके से खुद नहीं करके कुछ करने देना या कुछ होने देना, ये भी एक तरीके का डिसइंटरेस्टनेस को समझाता है कि ठीक है हमको, हम एक्टिवली कुछ नहीं करना चाहते हैं, देर इज़ अ लैक ऑफ एक्टिविटी, ओके, देर इज़ अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, देर इज़ अ लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, ये भी एक तरीके से एक डिसइंटरेस्टेड ऑर्डरनेस को समझा रहा, ठीक है। बहुत लेवल है इस पोइम का, हर तरीके से यहाँ पे एक मीनिंग ऐड हो रहा है। लेट द लैम्प अफिक्स इट्स बीम, अफिक्स मतलब होता है कि कोई पॉइंट में केंद्रित करना, ठीक है, कोई पॉइंट में फिक्स करना, सेंटर में लाना कोई चीज़ को, फिक्स करना। अब बीम, बीम का मतलब होता है कि जो रोशनी, ठीक है, जो वह लैम्प जलता है तो लाइट का आसपास जो एकदम रोशनी रहता है उसी को बीम बोला जाता है। तो लेट द लैम्प अफिक्स इट्स बीम, तो जो लैम्प है उसको अपना रोशनी को फिक्स करने दो, अपना रोशनी को एक पॉइंट में उसको फोकस करने दो। ओके, द ओनली एम्परर इज़ द एम्परर ऑफ आइसक्रीम, क्यों, वजह क्या है, वजह है कि एकमात्र जिंदगी का सम्राट कौन है, जो आइसक्रीम का सम्राट है, यानी कि वही सेम बात कि जो आइसक्रीम का जैसे ज़िंदगी को जिएगा, समय रहते सब कुछ करेगा और कोई दिखावा नहीं करेगा, वही क्या ज़िंदगी को एकदम फुलेस्ट में एंजॉय कर सकेगा, वही ज़िंदगी का हर ब्यूटी, हर पहलू को सही से खुद में ला पाएगा। ओके, और लैम्प के ज़रिए यहाँ पर क्या बोला गया कि हमेशा हम लोग का फोकस सही रहना चाहिए, ठीक है ना, जैसे लैम्प को अपना फोकस, अपना रोशनी को एक जगह फोकस करने बोला गया, सेंटर पॉइंट करने बोला गया, वैसे हम लोग को भी अपना माइंडसेट को एकदम क्लियर रखना है थ्रू आउट द लाइफ। अच्छा, जैसे मान लीजिए कभी हवा चला, ठीक है ना, अगर हवा चल गया तो कोई लैम्प है तो उसका जो रोशनी है ना, उसका जो फ्लेम है वो तो फिर डगमगा जा सकता है, ज़्यादा हवा चला तो वो इधर उधर मतलब बंद भी हो जा सकता है, ठीक है ना, पुट आउट भी हो जा सकता है, तो तब तो उसका एक जगह पर फिक्स रोशनी नहीं रहेगा। तो उसका बावजूद उसको रोशनी एक जगह फिक्स करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब क्या कि यह हम लोग के लिए एक मैसेज है कि ह्यूमन माइंड को फोकस रखो, ह्यूमन माइंड का नेचर ही को इधर उधर भटक जाएगा, इधर भटकेगा, उधर भटकेगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, लेकिन तुमको अपना माइंड सेट सेम रखना है, एकदम फिक्स्ड रखना है कि अगर लाइफ हमको एंजॉय करना है तो हमको कहीं नहीं भटना, कहीं दिखावे में नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना, समय रहते जो लाइफ जैसा है उसको नॉर्मली एक्सेप्ट करना है, वैसे ही एंजॉय कर लेना है, वरना टाइम और डेथ क्या कर सकता है, ये तो हम लोग पूरा पैसेज में देखे ही। ओके,
तो ये हुआ आपका पूरा दो स्टैंजा, यही था पोएम। आई होप कि आप लोगों को समझ में बढ़िया से आया होगा कि पोएट वॉलेस स्टीवंस कैसे इस पूरा एम्पायर ऑफ आइसक्रीम के ज़रिए हम लोगों को ज़िंदगी का एक पार्ट पढ़ाने का कोशिश किए हैं, और एम्पायर ऑफ आइसक्रीम ये जो मतलब टर्म है ये क्यों इतना सिंबॉलिक है, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी रह गया होगा, कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा या कुछ और जानना चाहेंगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर आपका हर क्वेरी को पूरा करने का कोशिश करेंगे। और अगर इस चैनल आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और कुछ और अगर पोएम ऐसे ही हम लोग और पोएम और ड्रामा और नॉवेल हम लोग का प्लान है सारा, हम एक एक करके धीरे धीरे लाएंगे, ओके। तो चैनल के साथ बने रहिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ओके। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, आई विल मीट यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।